याद है जब बचपन में हम कोई नया एनिमल या बर्ड देखते थे तो कितने एक्साइटेड हो जाते थे। आई थिंक मेरी इस राजस्थान ट्रिप ने मुझे बचपन के वो सारे मोमेंट्स रिकॉल करा दिए एंड एक चीज़ रियलाइज़ भी की कि जो एनिमल्स को एनिमल्स के घर जाकर मिलने में मज़ा है वो ज़ू में नहीं। और हाँ, ये ट्रिप बहुत स्पेशल था। कुछ मेमोरीज कैमरे में कैप्चर हुई और कुछ आँखों में। एंड यू नो व्हाट एग्जैक्टली मेड माय ट्रिप इवन मोर स्पेशल? इट वाज माय विजिट टू किचन विलेज। किचन विलेज जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, पर ये गांव एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीजन की वजह से जाना जाता है। क्या आपको पता है खीचन नाम के इस छोटे से गांव में हर साल 30 से 35 हज़ार डोमिसाइल क्रेन्स मीलों दूर का फासला तय करके आती हैं। ये बर्ड्स मंगोलिया, साइबेरिया और रशिया की तेज ठंड से बचने के लिए राजस्थान की गर्मी की तरफ उड़ती चली आती हैं। ये बर्ड्स यहाँ नवंबर से लेकर मार्च तक रहती हैं। दूर दूर से बहुत सारे फोटोग्राफर्स इस शानदार नज़ारे को अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए आते हैं। आपको पता है इन बर्ड्स का सबसे अच्छा व्यू अगर आपको चाहिए तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको मिलेगा सेवा राम जी की छत पर से। सो ये जो आप फोटोग्राफर्स देख रहे हैं ना, ये सब सेवा राम जी की छत पर अपने कैमरा सेटअप करते हैं टू गेट सम गुड फुटेज। जब भी कोई इस विलेज के बारे में बात करता है या इन बर्ड्स के बारे में कोई बात करता है, ऐसा कभी नहीं होता कि सेवा राम जी का जिक्र ना हो, क्योंकि सेवा राम जी पिछले 22 सालों से इन बर्ड्स को सर्व कर रहे हैं। आपको पता है ये बर्ड्स कितनी डिसिप्लिन्ड हैं? ये सारी बर्ड्स सुबह 7:30 शार्प फीडिंग ग्राउंड में आ जाती हैं। यहाँ पर ये 11 बजे तक ब्रेकफास्ट करती हैं। एंड जब ये 11 बजे के करीब एक डायरेक्शन में मूव करने लगे तो समझ जाओ कि ये सब साथ में उड़ने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे ये बर्ड्स उड़कर गए कहाँ? सो देर इज अ सॉल्ट वाटर लेक इन द विलेज एंड एवरी सिंगल डे आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट दे गो देर टू ड्रिंक वाटर। एंड द व्यू ऑफ द लेक विद दीज थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स सिटिंग देर, इट लुक्स